या नाइलेट की तरफ से कराए जाने वाले किसी भी कोर्स का सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करें, इस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने जो सर्टिफिकेट डाउनलोड किया है उसे आप वैलिडेट कैसे करें, उसमें किए हुए सिग्नेचर को, डिजिटल सिग्नेचर को वैलिडेट कैसे करेंगे। बेसिकली आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद देखते हैं कि आपके सर्टिफिकेट में इस तरह से ये क्वेश्चन मार्क का साइन लगा हुआ आ रहा होगा, जो बेसिकली सर्टिफिकेट के वैलिडेट या आइडेंटिफाई ना होने, आपकी तरफ से आइडेंटिफाई ना होने का साइन है। जब आप इसे आइडेंटिफाई कर देते हैं तो ये इस तरह का साइन हो जाता है, यानी कि फिर आपका सर्टिफिकेट पूरी तरह से लीगल हो जाता है। इससे पहले कि मैं इस प्रोसेस को बताऊं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी मेरे चैनल को, जो प्रोसेस है बहुत ही इजी है, देखिए अभी मैंने आप लोगों को ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करके दिखाया था इससे पहले वाले वीडियो में, और इसमें बेसिकली दोनों तरफ, पहले तो इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ इसी तरह का साइन आ रहा था, ये क्वेश्चन मार्क टाइप का, जिसमें साइन वेरीफाइड नहीं थे, जिसमें अभी भी मैंने इस तरीके से इसे वेरीफाई करके ये ग्रीन कलर का साइन क्लिक कर दिया है। आप अब इस वाले को मैं वेरीफाई करके आपको दिखा रहा हूँ, आप भी इसी तरह से इसे फॉलो करेंगे सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आप इस पर एक बार क्लिक करें, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिग्नेचर प्रॉपर्टी का ऑप्शन आएगा, आप इसके अंदर आ जाएं। यहाँ सिग्नेचर प्रॉपर्टी के अंदर आपको दिख रहा होगा कई सारे ऑप्शन है, आप सीधे सीधे यहाँ पर आ जाएं और आप उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। आप शो सिग्नेचर सर्टिफिकेट पे आएंगे और जो भी है, जिन्होंने भी आपका सर्टिफिकेट बनाया था जिस उसकी मेल आईडी के थ्रू, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर आ रही है, आप डेट टाइम वो सब देख सकते हैं कि ये सब काम किस तरीके हुआ था। लेकिन अब अगर आप जानते हैं कि हाँ ये पूरी तरह से ठीक है, जिस पर्सन ने मुझे भेजा है ठीक है, और ऑब्वियसली बात है आपने अगर नैलिट से डाउनलोड किया है तो ठीक ही होगा, आप सीधे यहाँ पे आ जाइए ट्रस्ट सेंटर पे। इसके अंदर अभी आप देख रहे होंगे सारे क्रॉस के साइन लगे हुए हैं, लेकिन आपको कहाँ आना है, इधर ऐड टू ट्रस्ट सर्टिफिकेट पे, इस पे आप ओके करेंगे, और ओके करने के बाद आप सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट पे साइन लगा देंगे। यहाँ पर साइन लगाने के बाद आपको नीचे तीनों चेकबॉक्स पे साइन लगाने हैं, इस पर साइन लगाने के बाद आप एक बार ओके पे क्लिक करें, और देन यहाँ जो ओके का बटन है एक बार आप इस पर क्लिक कर देंगे, और फिर वापस आप उसी स्क्रीन पे आ जाएंगे जहाँ से आपने शुरू किया था। इसमें ऑप्शन है वैलिडेट सिग्नेचर का, आप इस पर क्लिक कर देंगे। वैलिडेट सिग्नेचर पे क्लिक करने के बाद आपको अगर ये दोबारा स्क्रीन शो करता है तो आप एक बार क्लिक कर दें और फिर क्लोज कर दें, देन इसके बाद ये आपके साइन को वेरीफाई कर देगा। आप एक बार इस पर क्लिक करिए और फिर इसे आप क्लोज कर दीजिए, आपका ये साइन वेरीफाई हो चुका है। और फिर अगर आप चाहें तो इसी फाइल की एक और कॉपी सेव कर सकते हैं किसी दूसरी जगह पे, ताकि आगे से ये मतलब दोबारा से उस अनसाइन में, मतलब वो क्वेश्चन मार्क वाले साइन में कन्वर्ट ना हो जाए। तो हम उसकी एक ब्लैंक कॉपी टू नाम से, मान लो मैंने पहले डेस्कटॉप पे सेव कर रखा था, लेकिन अब मैं इसे अपनी डी ड्राइव में सेव कर लेता हूँ, और फिर डी ड्राइव में मैंने बाहर ही सेव कर लिया, सेव पे क्लिक करता हूँ और इसे अब मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। और अगर अब आप यहाँ पर जाकर देखेंगे तो आपके डेस्कटॉप पे भी आपकी वो फाइल पड़ी हुई है जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आपने डाउनलोड किया था और आपने उसे डी ड्राइव में भी सेव कर लिया है, आप चाहे तो वहाँ जाके भी देख सकते हैं। आपके पास एक फाइल तो है ही है, बट इनकेस मान लीजिए अगर वो फाइल चली जाती है तो आप उसे अपनी डी ड्राइव में से डाउनलोड की हुई फाइल को देख सकते हैं, डी ड्राइव में भी वही सेम फाइल आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से सिग्नेचर वेरीफाई कराने के बाद अब आपका ये सर्टिफिकेट पूरी तरह से वैलिड है।